ऑलराइट गाइस, यार स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस कमाल के वीडियो पे। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोगों ने स्कॉर्पियो सीरीज की चार टॉप गाड़ियों को ला खड़ा किया है। यहाँ पे एक है स्कॉर्पियो S10, भाई ये थोड़ी पुरानी वाली मॉडल है, मैं आप लोगों को पीछे से दिखाता हूँ मॉडल नेम के साथ। ये वाली है स्कॉर्पियो S10 एंड गाइस इसके जस्ट बगल में खड़ी है स्कॉर्पियो S11, आप देख सकते हो। एंड ये है स्कॉर्पियो S11 क्लासिक एंड ये है स्कॉर्पियो एंड भाई टॉप नॉच। यहाँ पे चार ब्लैक हॉर्स खड़े हैं, या फिर आप कह सकते हो द बिग डैडी ऑफ SUVs चार यहाँ पे खड़े हुए। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग पता लगाने वाले हैं यार महिंद्रा ने कितना ज्यादा डेवलपमेंट लिया है S10, S11, S11 क्लासिक एंड स्कॉर्पियो एंड में क्या क्या अंतर है, सब चीज पता चलेगा। हम लोग इस चैलेंज पे टोटल 5 राउंड करने वाले हैं, क्रैश टेस्ट, ऑफ रोडिंग, क्रॉस ऑफ रोडिंग, रिवर क्रॉस ऑफ रोडिंग एंड भी ढेर सारी चीज है, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा, फुल ऑन कंपेरिजन वीडियो होने वाला है। अगर आप वीडियो पे नहीं हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। एंड हाँ यार, अगर आपको लेजेंडर 4x2 वाली वीडियो चाहिए या आपको 4x2 लेजेंडर जल्दी से जल्दी चाहिए, फटाफट से सब्सक्राइब करो गाइस। जितनी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करोगे मैं उतना जल्दी लेजेंडर ले आऊंगा। तो चलो चलते हैं गाड़ियों को ट्राई करने, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द 3 लेवल ऑफ रोडिंग चैलेंज। यार यहाँ पे मेरे पास तीनों गाड़ियां रेडी है एंड आज का चैलेंज वही यार जो हम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं ना, सबसे ज्यादा खतरनाक 3 लेवलों का, जहाँ पे यहाँ पे छोटे मोटे पत्थर होने वाली है, ये मिट्टी के पत्थर कह सकते हो। उसके बाद आएंगे ये स्टोन्स भाई, हार्ड स्टोन जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, वो वाले जिन्हें पार करने में भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों की फट जाती है। हम लोग के पास जो स्कॉर्पियो है उनका इंजन वगैरह काफी आसानी से डैमेज हो सकता है ये पत्थर को पार करने के बाद। इनके बाद आएगा सस्पेंशन टेस्ट, ठीक है। जब जब इंजन वगैरह टायर वगैरह डैमेज हो जाएंगे, तब जब सस्पेंशन टेस्ट होगा ना भाई, गाड़ी का असली नट बोल्ट जो बचा ना वो पूरा खुल जाएगा एंड जो गाड़ी बचेगी वो गाड़ी वो फिनिश पॉइंट को पार करेगी। तो गाइस यार मेरे को पता है तीनों गाड़ियां SUVs है एंड तीनों ये चैलेंज को कर सकती है। स्कॉर्पियो को ऐसी बिग डैडी ऑफ SUV नहीं कहा जाता, तो मैंने गाइस यार एक छोटा सा और एक चीज रखा है कि भाई जो गाड़ी सबसे जल्दी ये चैलेंज कर दिखाएगी वो गाड़ी होगी विनर। 2 मिनट का टाइमर चलेगा एंड 2 मिनट के अंदर जो गाड़ी सबसे पहले पार करेगी वो बन जाएगी रियल विनर। एंड यार उसी हिसाब से हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन देंगे, लेट्स गो। पहली गाड़ी हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं स्कॉर्पियो S10 को। ओके भाई काफी अच्छा, भाई भाई इतना आराम से, ओके क्या आराम से पार कर रही है। ओके यार स्कॉर्पियो की इतनी पुरानी गाड़ी होकर के भी इतना तगड़ा परफॉर्मेंस, लेट्स गो। काफी इजीली पहला वाला पार हो चुका है। ओके दूसरा वाला भी, भाई क्या स्पीड में पार कर रही है गाड़ी यार, ये तो पुराना पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है वही भाई। ओके लेट्स गो, हो गया। ऑलराइट गाइस, मेरे को नहीं लगता गाड़ी को इंटरनली थोड़ा बहुत भी डैमेज आया होगा, बट गाइस गाड़ी का स्पीड थोड़ा कम हो गया है। ओके हाँ, गाड़ी का स्पीड थोड़ा कम हो गया है, इंजन वगैरह में दिक्कत हुआ है, गाड़ी की स्पीड में इफेक्ट पड़ा है बहुत गंदा सा। बाकी गाइस यार सस्पेंशन वगैरह गाड़ी का एक नंबर है एंड गाइस गाड़ी ने ये चैलेंज कर दिखाया है। टाइमिंग आप देख सकते हो गाड़ी को कितना टाइम लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एंड ये गाड़ी कौन से रैंक में है वो भी बता देना। S10 है गाइस ये, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। अब बारी है स्कॉर्पियो S11 की, लेट्स गो आराम से। ओके चलो 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 गाइस, ये थोड़ी सी अटक रही है भाई, वो स्कॉर्पियो S10 इतना नहीं अटक रही थी जहाँ जितना ये अटक रही है। ओके यार इसका किस्मत खराब है गाइस, किस्मत भी साथ देना चाहिए। स्कॉर्पियो S11 थोड़ा सा पत्थर तरफ से गई है, कोई बात नहीं, लेट्स गो। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भाई कर सकती है, लेकिन गाइस अभी बहुत स्लो, इतने देर में आएंगे। स्कॉर्पियो S10 ने कर दिखाया था चैलेंज को, अटक गई क्या? नहीं अटकी है, चल 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 स्कॉर्पियो S11 हो जाएगा। ओके लेट्स गो, गाड़ी गलत जा रही है, मैं पूरा स्टेयरिंग मोड़ रहा हूँ फिर भी। ओके चलो हो गया, लेट्स गो, हो गया। काफ़ी बेहतरीन भाई, काफ़ी बेहतरीन, बट गाड़ी का इंजन डैमेज नहीं हुआ है। S10 का इंजन डैमेज हो गया था, वो स्लो गई थी, बट गाइस यहाँ पे S11 का इंजन डैमेज नहीं हुआ है, बट गाड़ी पलट गई भाई, इसकी वजह से गाड़ी पीछे हो जाएगी पक्का गाइस यार टाइम में। एंड ये देखो गाड़ी ने कर दिखाया, आई गेस 1-2 सेकंड के अंदर से मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो S11 पीछे हो गई है S10 से। गाइस यार नहीं पता गाड़ी का किस्मत खराब था, क्या कर सकते हैं, चलते हैं गाइस यार अगली गाड़ी को ट्राई करना है। एंड हाँ इसका भी टाइमिंग मुझे बता देना यार। अब बारी है स्कॉर्पियो S11 क्लासिक की, लेट्स गो भाई चढ़ाते हैं। यार गाड़ी बहुत ज्यादा बल्की लग रही है भाई, वो दोनों गाड़ियां जिन्होंने मैंने ट्राई किया ना वो थोड़ी हल्की फुल्की थी, ये थोड़ा मेरे को टाइट एंड हैवी लग रही है। ओके एंड लेट्स गो भाई, थोड़ा इसमें दिक्कत हो रहा है चढ़ाने में, चढ़ जा। ओके यार हम लोग यार इस बार गलत जगह से आ रहे हैं भाई, लेकिन यार स्कॉर्पियो S10 में सबसे परफेक्ट जगह से मैं लेके गया था, गाड़ी ने बहुत आसानी से पहला चैलेंज पार कर दिया था, बट खैर ये राउंड को। ओके काफ़ी इजीली भाई साहब, गाड़ी ने क्या बूस्ट लिया है। ओके लेट्स गो, हो गया, पहुंच गई, थोड़ा सा और लेट्स गो गाइस, ये वाला भी हो गया काफ़ी बेहतरीन भाई। ओके मेरे को नहीं लगता इंजन वगैरह डैमेज हुआ है भाई, गाड़ी का काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पलटना नहीं स्कॉर्पियो, पीछे हो जाएगी भाई, पलटना नहीं बस कुछ भी हो जाए। ओके लेट्स गो काफी इजीली एंड गाइस यार गाड़ी ने ये चैलेंज कर दिखाया है। आई गेस यार
एस इलेवन जितना ही टाइम लगा होगा मेरे को पता नहीं, अब टाइम आप मुझे बता देना इसे कितना टाइम लगा। आई गेस एक दो सेकंड जल्दी की होगी ये गाड़ी एस इलेवन से, या फिर यार सेकंड या थर्ड पोजीशन तो कंफर्म होल्ड करेगी हमारी एस इलेवन क्लासिक। चलते हैं अगले आखिरी गाड़ी को ट्राई करने यार। अब बारी आ जाती है गाइस स्कॉर्पियो एन की भाई, टॉप नॉच अभी की लेटेस्ट द बिग डैडी ऑफ एसयूवी भाई। क्या गाड़ी है भाई यार, गड्ढे में फंस गई थी अपने आप निकल गई यार, मेरे को लगा रिवर्स करना पड़ेगा, मैं रिवर्स करने लग गया था गाड़ी ऑटोमेटिक फॉरवर्ड चले गई। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, निकल गई आइए भाई, निकल जा निकल जा। ओके यार पहला राउंड सबसे अच्छा है कुछ भी बोलो, स्कॉर्पियो एस टेन नहीं किया था भाई। ओके ये वाला ये आराम से निकाल रही है। ओके हो गया डैम भाई, सबसे आसानी से इसने किया है। ओके आई गेस ये फर्स्ट है यार, सस्पेंशन भी कोई भी कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी बैलेंस क्या बना रही है देख रहे हो। ओके टच हो चुका है गाइस यार, गाड़ी को कितना टाइम लगा, आई गेस ये सबसे फर्स्ट है स्कॉर्पियो एन, आई गेस सबसे फर्स्ट है एंड मेरे को सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट भी यही लगी स्कॉर्पियो एस एन, मतलब स्कॉर्पियो एन और एस इलेवन क्लासिक दोनों सबसे ज़्यादा फास्ट है। बट गाइस आप मुझे बताओ फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, ठीक है ये राउंड के। एंड पहला मेरे को तो लग रहा है स्कॉर्पियो एन होगी, सेकंड क्लासिक होगी या फिर एस टेन होगी और या फिर थर्ड, दोनों में से कोई एक होगा। एंड लास्ट हमारी ये होगी भाई, क्या नाम है स्कॉर्पियो एस, नहीं पता भाई बहुत कन्फ्यूजन है यार, आप बता देना। फर्स्ट मेरे ख्याल से एन है, बाकी यार आप मुझे बता सकते हो ठीक है। चलते हैं अगले राउंड पे, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि गेम खेलकर कैसे पैसे कमाए जा सकता है। अब मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप वन गेम खेलकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। पीसी गेम्स दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कैश डाइस कॉइन फ्लिप माइंस जैसे ढेर सारे मजेदार गेम खेल सकते हैं। मैं आपको अभी कॉइन फ्लिप गेम खेल के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे हेड चूज किया एंड अगर मेरा प्रेडिक्शन सही होता है तो मैं आसानी से पैसे जीत जाऊंगा, बट अगर गलत हुआ तो मैं हार भी सकता हूँ। और देखो यहाँ पे मैं जीत गया और जीते हुए पैसों को मैं काफी आसानी से अपने बैंक अकाउंट और पेटीएम वॉलेट में निकाल भी सकता हूँ। मेरी तरह आप भी प्रिडिक्शन करके काफी आसानी से ढेर सारे प्राइसेस जीत सकते हो। अभी पीसी गेम्स में इंडिया प्रीमियर लीग और प्राइस कॉन्टेस्ट चल रहा है जहाँ बिटकॉइन दुबई यात्रा और बहुत सारे नगद प्राइजेस भी जीत सकते हो। मेरा प्रोमो कोड को आप यूज करके 300% तक का बोनस भी ले सकते हो। मैंने अपना लिंक कमेंट में पिन कर दिया है, मेरा रेफरल कोड यूज करना भूलना मत और प्रिडिक्ट करिए कि आईपीएल मैच कौन जीतेगा। और एक खास बात यह कि यार ये सारे गेम्स बहुत ही इजी है, आपको कोई प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। पीसी गेम्स को जो चीज खास बनाती है वो इसका डेली स्पिन, आपको यहाँ पे डेली एक फ्री स्पिन करने का मौका मिलेगा जिसमें आप यहाँ पे बहुत सारे नगद पुरस्कार जीत सकते हो, $2,000 तक का जीतने का मौका पा सकते हो। मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए TETRAXG, स्क्रीन में नजर आ रहा होगा और मैंने लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो देर किस बात की है, अभी जाइए और रजिस्टर कीजिए और जीतना शुरू करें। और जब तुम जीत जाओ यार तो मुझे मत भूलना यार। वेलकम टू द हिल क्लाइंबिंग चैलेंज गाइस यार, ये राउंड पे हम लोग चढ़ने वाले एक बड़े से पहाड़ को एंड यार चारों की चारों गाड़ियां खड़ी है, मैंने आगे पीछे खड़े कर दिए, कहता कि यहाँ पे जगह नहीं है गाइस क्या कर सकते हैं। बट खैर हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी जो नदी है इसे पार करना होगा ठीक है। ये बहुत ठंडी नदी है एंड यार इसे पार करने के बाद गाड़ी थोड़ी गीली हो जाएगी, चक्के थोड़े स्लिपरी हो जाएंगे एंड उसके बाद ये वाले खड़े पहाड़ को हम लोगों को चढ़ना है जहाँ पे पैदल पैदल चढ़ना थोड़ा इजी है थोड़ा ऊपर तक, बाकी गाइस आगे तो चढ़ा ही नहीं जा सकता। बट क्या ये खड़े पहाड़ के ऊपर हमारी गाड़ियाँ चढ़ पाएगी स्कॉर्पियो की चारों सीरीज, क्या लगता है यार यहाँ पे चढ़ पाएगी या फिर नहीं चढ़ पाएगी। भाई मैं आपको दिखा दूँ कहाँ जाना है हम लोगों को बाइनोकुलर से, ये है अपना फिनिश पॉइंट टॉप पॉइंट, यहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है। देखने में पास लग रहा है लेकिन गाइस अपने को ये पूरा पहाड़ को चढ़ना है ठीक है, ये वाला पूरा पहाड़ को। लेट्स गो, एक एक करके सारी गाड़ियों को ट्राई करते हैं यार। एंड मैं बता दूं यार चारों गाड़ियां अनमॉडिफाइड है, मतलब जीरो मॉडिफिकेशन है यार। यार चक्के वगैरह भी यार जो स्टॉक मॉडल शोरूम से आते हैं वही वाले लगे हुए हैं, स्लिप करेंगे तभी मज़ा आएगा। मैं यार ओरिजिनल ऑफ रोडिंग टायर नहीं लगवाया हूँ ताकि यार मजा ना आए बोल के। ओके ओके सो कार्यक्रम शुरू किया जाएगा इस यार। पहली गाड़ी हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं स्कॉर्पियो एस टेन ठीक है, चलो देखते हैं। ओके ठंडा पानी पहले पार किया जाए एंड ऊपर चढ़ा जाएगा इस यार, गाड़ी तो बहुत धीरे चढ़ रही है भाई, इतने धीरे में चढ़ भी नहीं पाएगी लग रहा है मेरे को, तो अभी से लग रहा है गाड़ी नहीं कर पाएगी यार। एक बार फिर ट्राई करते हैं रिटर्न जा करके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, थोड़ा स्पीड मिल जाए। इस बार यार चढ़ गई, इस बार चढ़ गई, इस बार चढ़ गई थोड़ा सा ऊपर और ओके यहाँ पे अटकना है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे यार गई गाड़ी यार, मेरे को नहीं लगता एस टेन कर पाएगी। एक तो यार कीचड़ की वजह से स्लिप बहुत ज़्यादा हो रहा है, कीचड़ नहीं है मैं ये पानी पार कर रहा हूँ ना, मेरे टायर बहुत स्लिप कर रहे हैं। ओके इस बार चढ़ जा। ओके नहीं चढ़ पाएगी भाई, इसकी हालत ख़राब है, रुक जाओ यार मैं पूरी गाड़ी को एक बार रिटर्न लाता हूँ, फुल स्पीड में चढ़ा के देखते हैं ठीक है। यहाँ से ऐसा फुल स्पीड में आएगा तब से चढ़ जाए गाड़ी एक ही बार में, पूरा एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखे रखे। ओके लेट्स गो लेट्स गो, इस बार चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है।
नहीं चढ़ पा रही है। ओके गई भाई, पिकअप नहीं ले पा रही ऊपर जाके यार। ऑफ रोडिंग वाले टायर लगेंगे, मेरे को पता चल गया गाइस टायर की दिक्कत हो रही है। ओके चढ़ गई, इस बार चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई भाई। किस्मत 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 किस्मत, स्पीड पकड़ ले स्कॉर्पियो, स्पीड पकड़ ले। नहीं हम लोगों को तिरछा होकर जाना पड़ेगा, मैं समझ गया, सीधा में नहीं चढ़ने वाली गाड़ी। ओके साइड साइड होकर के ऊपर होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत यार, शॉर्टकट लेना पड़ रहा है बताओ यार। लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी यहाँ पे फाइनली ऊपर पहुँच चुकी है, वैसे ले दे के पहुँची है, बट खैर गाड़ी यहाँ पे विनर है। थोड़ा मेहनत लग गया लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं गाइस यार अगली स्कॉर्पियो S11 को ट्राई करने। लेट्स गो भाई, सीधा चलते हैं। ओके पैराशूट खुल जा, पैराशूट खुल जा, खुल जा यार, यहाँ से नहीं खुले। ओ ये क्या खून का छींटा निकला भाई अचानक से। लेकिन गाइस यार चलो देखते हैं स्कॉर्पियो S11 कर पाएगी कि नहीं भाई। पहली गाड़ी स्कॉर्पियो S11, लेट्स गो। चलो बेटा बैठ जाओ फुल स्पीड। ओके काफ़ी प्यारा, चढ़ जा। ओ भाई एक ही बार में चढ़ गई, एक ही बार में चढ़ गई। ओके लेकिन बैलेंस 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 रुको यार, मेरे को एक बार फिर चलाना पड़ेगा। रुको 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 एक सेकंड फिर यार। ओके सीधा हो जा, पलटना नहीं भाई, नहर है उधर, नदी है। नहीं 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 उधर डूब जाएगी जाएगी तो। ओके निकल जा, निकल जाएगी भाई, पावर है यार। नॉर्मली चढ़ा रहा है मुझे, पहले स्पीड में नहीं, नॉर्मली ऑफ रोडिंग वाले स्टाइल में। चढ़ गई भाई, इतना आराम से चढ़ गई, इतना आराम से चढ़ गई। ऊपर ऊपर जाने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है। ओके ऊपर जाने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, गाड़ी झीक रही है बहुत ज़्यादा। ओके लेकिन पहुँच जाएगी, एंड पहुँच गई, पहुँच गई, पहुँच गई, थोड़ा सा ऊपर, एंड भाई साहब स्कॉर्पियो S11 ने भी ये चैलेंज कर दिखाया। लेकिन यार इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा दिक्कत हुआ कह लो, ठीक है, लेकिन गाड़ी ने कर दिखाया। अब बारी आ जाती है गाइस स्कॉर्पियो S11 क्लासिक एंड स्कॉर्पियो एंड, दोनों टॉप नॉच गाड़ियां हैं एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड यार आपको क्या पसंद है, स्कॉर्पियो एंड दिया जाएगा और स्कॉर्पियो S11 क्लासिक रखा जाएगा, दोनों में से आप कौन सी गाड़ी लोगे वो मुझे बताओ। मैं तो स्कॉर्पियो S11 क्लासिक लूंगा भाई, लुक मेरे को स्कॉर्पियो S11 क्लासिक का ज़्यादा पसंद है एंड के कंपैरिजन में, ठीक है, भले नई गाड़ी है तो क्या हुआ, हटो हटो। चलो गाइस यार स्कॉर्पियो S11 क्लासिक का परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाए। ओके पानी पार हो गया, चढ़ भी गई भाई काफ़ी इजीली बिना दिक्कतों के साथ यार। ओके एंड ये भी चढ़ जाएगी क्या, चढ़ गई, ले भाई आराम से चढ़ गई, हल्का सा दिक्कत हुआ, गाड़ी स्लो हो गई थी लेकिन गाइस गाड़ी ने कर दिखाया। एक बार कूदाऊँ क्या फिर से, इतना आराम से चढ़ गई। ओके लैंडिंग परफेक्ट थी भाई, कोई बात नहीं, एक बार फिर ट्राई करते हैं गाइस। चलो 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 पार हो गया, ये पार हो गया गड्ढा। ओके ओ भाई गाड़ी तो रैंप की तरह चढ़ रही है यार, ईजी पीजी भाई, गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट है। एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो S11 क्लासिक ने भी ये चैलेंज कर दिखाया है। अब बारी आ जाती है गाइस टॉप नॉच, सबसे ज़्यादा महंगी, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट यार अभी की स्कॉर्पियो एन। एंड स्कॉर्पियो एन गाइस मैंने सुना है बहुत ही ज़्यादा बिक्री हुई है भाई, अभी पैराशूट खुल रहा है बताओ यार, ऊपर से नहीं खुलता है नीचे से खुलता है यार। खैर कोई बात नहीं, स्कॉर्पियो एन की बारी आ जाती है। एंड मेरे को ऐसा लगता है ना, स्कॉर्पियो एन लगता नहीं, ऐसा है शायद यार कि स्कॉर्पियो एन ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू स्कॉर्पियो S11 एस सीरीज, ठीक है। खैर चलो स्कॉर्पियो एन को देखते हैं। स्कॉर्पियो एन का मेरे को पिकअप ना हल्का सा ढीला लगता है, मतलब एकदम ओ भाई ये तो एक ही बार में चढ़ूंगी बोल रही है। ओके एंड गाइस देख लो मैंने कोई कट वगैरह नहीं किया, आप बोलोगे यार मैं गाड़ी को मॉडिफाई करवा के लाता हूँ वीडियो पॉज करके ये वो, यार मैं एक टेक में वीडियो बना रहा हूँ एंड आप मत बोलना भाई। इसको थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है स्कॉर्पियो एन को, स्ट्रगल हो रहा है, बट चढ़ गई भाई, एक बार फिर ट्राई करते हैं। बहुत ईजिली चढ़ गई है नीचे कुदा करके स्पीड में। ओके सीधा पानी में छापा भाई, अंदर सीधा यार, यहाँ से रिवर्स लेना पड़ेगा, हो जा रिवर्स, डूबना नहीं है स्कॉर्पियो एन भाई, डूब गई क्या, निकालो 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 भाई, ऐसा फील आ रहा था गाड़ी बंद हो जाएगी यार, बट खैर कोई बात नहीं, गाड़ी को चढ़ाते हैं वंस अगेन। ओके चढ़ जा, चढ़ जा यार, इस बार आराम से चढ़ा रहा हूँ गाड़ी को, बट खैर चढ़ चुकी है गाइस स्कॉर्पियो एन यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में भी दिखाई कैसी, मतलब काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस गाड़ी का। एंड ये राउंड की विनर स्कॉर्पियो एन है गाइस यार, एंड सेकंड आई है स्कॉर्पियो S11, उसके बाद आई है S11 नहीं S11 क्लासिक, फिर स्कॉर्पियो S11, फिर S10, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है पहले राउंड की एंड चलते हैं अगले राउंड में। ये पहला राउंड नहीं है आई गेस, कौन सा राउंड है आप मुझे बता देना भाई, मैं भूल जाता हूँ, चलते हैं अगले राउंड में यार। ऑलराइट गाइस वेलकम टू द राउंड वन, एंड राउंड वन में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं टग ऑफ वॉर या फिर ट्रैक्टर टग ऑफ वॉर कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दो टुक ट्रैक्टर हैं, ये गाइस दोनों ट्रैक्टर सिद्धू मूसेवाला की है, आप लोग यार देख के पहचान गए होंगे, जो ट्रू लवर सिद्धू मूसेवाला है कमेंट सेक्शन में सिद्धू मूसेवाला ओपी इन द चैट लिख देना। तो गाइस यार हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे गाड़ी को खड़ी करेंगे एंड ये देख सकते हो भाई पूरा कीचड़ है, मैं चल रहा हूँ तो, एंड हम लोगों को पावर लगा करके हमारी गाड़ी को वो फिनिश पॉइंट तक ले जाना है, ठीक है। एंड दोनों ट्रैक्टरों को खींच करके
ये वाले फिनिश पॉइंट तक ले जाना है। दोनों तरफ से पावर लगाया जाएगा, जो गाड़ी में दम होगा भाई वो फिनिश पॉइंट टच कर जाएगी, अगर नहीं होगा तो ट्रैक्टर फिनिश पॉइंट टच कर जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे गाइस आज खेती का दिन है तो लोग वगैरह भी आए हुए हैं, बट हम लोग को संभल के ये चैलेंज करना होगा भाई। लेट्स गो। चलो गाइस यार पहली गाड़ी हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, स्कॉर्पियो S10 को। एंड गाइस आप लोग सोच रहे हो यार मैं S10 तक खाली क्यों लेके आया हूँ, मुझे S9 S8 S7 को भी लेके आना चाहिए। बट गाइस सुनो यार, उतना पुराना जाके कोई मतलब नहीं है यार, ये लेटेस्ट वाली ठीक है। मतलब ज़्यादा पहले जाएंगे तो गाइस यार बहुत मतलब परफॉर्मेंस में यार मजा नहीं आएगा फिर, है ना। तो यार मैं ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को लेके नहीं आया हूँ। चलो गाइस स्कॉर्पियो S10 को पहले हम लोग ट्राई करते हैं। ओके देखते हैं कितना है दाम। भाई ये क्या हो रहा है, गाड़ी तो खिंचा जा रही है भाई, मैं पूरा पावर दिया हूँ। ये 2x2 वाली स्कॉर्पियो है क्या, ये क्या हो रहा है गाइस, कैसे खिंचा रही है भाई, मैं फुल पावर दे के रखा हूँ ब्रो। ओके रुको यार, कीचड़ में बोल के नहीं हो पा रहा भाई, देखो अब खींच रही है भाई, कीचड़ में बोल के आई गेस दिक्कत हो रही है स्कॉर्पियो को, वरना गाइस गाड़ी खींच ही लेगी। ओके लेट्स गो भाई, नहीं यार ट्रैक्टर में पावर है, ट्रैक्टर खींच दे रही है भाई, क्या हो गया भाई साहब, पहली स्कॉर्पियो इतने आसानी से खिंचा गई भाई। लेट्स गो, लेकिन उन लोग अटक गए तो बातें, मैं निकल जाऊंगा इन लोगों को खींच दूंगा। ओके इन लोग अलग अलग हो गए बोल के, खींचने में और पावर लग रही है, लेकिन मैं खींच दिया भाई, वो वाली ट्रैक्टर पावर लगा रही है। ओके मैं गया, नहीं हट यार। चलो खैर कोई बात नहीं गाइस, हम लोग फिनिश पॉइंट टच कर चुके हैं एंड पहली हमारी स्कॉर्पियो S10 फेल हो चुकी है भाई। मुझे लगा था ये कर लेगी, बट कोई बात नहीं यार, पहली गाड़ी है एंड इसका गेट भी खुला रह गया, क्या बात है। खैर चलते हैं गाइस यार अगली गाड़ी को ट्राई करने एंड चलो ट्रैक्टर हो अपने पोजिशन पे वापस आओ भाई। एंड अगर गाइस आपको लग रहा है ना भाई यार ट्रैक्टर में पावर कम है, मैं पावर कम दे रहा हूँ ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, तो भाई अभी देखना है स्कॉर्पियो S11 को देखना भाई, इसकी भी हालत मेरे ख्याल से खराब हो सकती है, क्योंकि यार ये भी स्कॉर्पियो S11 ही है यार, एक जनरेशन ऊपर वाली S10 के। ओके फिलहाल यार रस्सी लगाते हैं फटाफट से, यहाँ से ट्रैक्टर के इंजन से मैं यहाँ तक लगाता हूँ। एंड स्कॉर्पियो S11 का लुक भाई काफ़ी तगड़ा लगता है मुझे एज कम्पेयर टू भाई स्कॉर्पियो S10 यार। लेट्स गो, लोग तो बैठ चुके हैं, एक बार पीछे आ जाओ भाई तुम लोग। ओके लेट्स गो, अब पावर लगाते हैं, लेट्स गो मैं आगे जाता हूँ। ओ भाई साहब मेरी गाड़ी उड़ जा रही है। ओके भाई खींच दे रही है, ट्रैक्टर खींच दे रही है, नहीं खींचने दूंगा ही नहीं, स्कॉर्पियो S11 में बहुत पावर है। ओके भाई गाड़ी कैसे हो रही है। ओके हो जाएगा स्कॉर्पियो ओपी इन द चैट गाइस, कमेंट सेक्शन में वोट दो यार, गाड़ी को पावर की जरूरत है। ओके निकाल दी ओके थोड़ा सा और, ओके ये निकल गया, आराम से निकल गया भाई, ये वाला निकालने में दिक्कत होता है। देखिए ओ वो वो लोग रिवर्स खींच रहे हैं, उल्टा खींच दे रहे भाई। ए रुको भाई, मेरी गाड़ी स्लिप कर रही है यार, अरे बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है। एक तो मेरी गाड़ी 4x4 में है नहीं क्या, 4x4 में ही है यार। ओके खींच दूंगा ओके, गाड़ी एक तो बहुत उछल भी बहुत ज़्यादा रही। ओके हो गया, थोड़ा सा आगे स्कॉर्पियो और भाई यहाँ पे खूटा है बोल के ना आगे जाने नहीं हो रहा है यार। ओके पार हो जा, गाड़ी झूल जा रही है, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस टच हो जा रहा है गाइस पता है। ओके चल स्कॉर्पियो निकल जाएगी भाई, मैं अटक गया हूँ, खींचो तुम लोग एक बार पीछे। ओके चलो लोग खींचे, मैं पावर लगाता हूँ सामने, यहाँ से थोड़ा कुदाना पड़ेगा, प्यार से नहीं निकल रहा गाड़ी भाई, प्यार से लटक जा रहा है। ओके निकल गया स्पीड स्कॉर्पियो S11 भाई, स्पीड दिखा। ओके निकल गई, लेट्स गो गाइस, स्कॉर्पियो S11 ओपी इन द चैट यार, काफी ज्यादा पावर लग रहा है भाई, दोनों ट्रैक्टर भिड़ चुकी है। ओके नहीं जा पा रहा मैं आगे। ओके जा रहा हूँ चल स्कॉर्पियो। एंड भाई साहब पहली स्कॉर्पियो S11 ने ये चैलेंज कर दिखाया। सॉरी आंटी जी, सॉरी आंटी जी, मैंने गाड़ी चला दी। खैर वो आंटी ठीक हो गई क्या, नहीं पड़ी हुई है यार, खैर इलाज वगैरह करवा दूंगा गाइस, एम्बुलेंस बुलाओ यार। अब ट्राई करते हैं गाइस स्कॉर्पियो S11 क्लासिक को भाई, टॉप मॉडल कार यार, अभी तक की सबसे ज्यादा फेमस गाड़ी यही है भाई। चलो इसको यहाँ पे मैं लगवाता हूँ। ओके चलो गाइस यार स्कॉर्पियो, इसके बाद तो गाइस स्कॉर्पियो निकलना चालू हो गई ना, ये तो अभी की लेटेस्ट कह लो स्कॉर्पियो एस सीरीज की। ओके रुको, अरे बंदूक एम करने दो। ओके चलो गाइस रस्सी यहाँ से यहाँ तक एंड रुक जा फ्रैंकलिन, अभी चालू मत करना तेरी गड्डी को। चलो गाइस रस्सी लग चुकी है एंड मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ एंड चलो भाई पावर लगाते हैं। ओके ओ भाई साहब ये तो फिसल रहा है। ओके नहीं फिसलना नहीं है स्कॉर्पियो, निकालना है भाई बल्कि इन लोगों को। ओके गाड़ी कैसे उठ जा रही है भाई, ट्रैक्टर कितनी ज़्यादा भारी होगी आप सोच सकते हो। ओके ओ भाई साहब कीचड़ की वजह से मेन दिक्कत ना गाइस, पता है कीचड़ है यार, अगर कीचड़ नहीं होता ना ये चैलेंज थोड़ा करना आसान होता। ओके निकल गया स्कॉर्पियो थोड़ा सा और भाई खींचा गई यहाँ पे अटक जा रहा है यार, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस टच हो जा रहा है। ओके
फुल पावर में, पता है गाइस 4x4 में नहीं है क्या? 4x4 में नहीं है कि 2x2 में गाड़ी क्या? ओके ओके है 4x4 में, रुको पार हो गया, पार हो गया, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, हो गया। ट्रैक्टर को खींचना है थोड़ा सा और ये वाला पार करना है, खूटा फिर हो गया। ऑल राइट गाइस खींच दिया मैंने। ओके इसमें ज़्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही भाई, स्कॉर्पियो S11 क्लासिक में बहुत पावर है, खींच दे रही है आराम से यार। ओके मैं रस्सियों को अलग करता हूँ। ओके लेट्स गो गाइस, पहली गाड़ी जिसने ये चैलेंज कर दिखाया है। अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई लग रहा है यार, वो बंदी पड़ी हुई है, बट खैर कोई बात नहीं, मैं बुला के मैं पर्सनली लेके आता हूँ, हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं यार। बट खैर जो भी है, हमारी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक ने ये चैलेंज बेहतरीन तरीके से कर दिखाया भाई, मजा आ गया। चलते हैं गाइस अगली गाड़ी को ट्राई करने यार। अब बारी आ जाती है गाइस आज की आखिरी, गाइस यार मतलब स्कॉर्पियो एंड ये चैलेंज की आखिरी, आज की आखिरी नहीं ये चैलेंज की आखिरी, स्कॉर्पियो एंड गाइस मैंने गाड़ी को ब्लू कलर दे रखा है एंड मेरे को नहीं पता मैंने इसे ब्लू क्यों दिया, बट गाइस रियल लाइफ में ब्लू कलर की स्कॉर्पियो एंड आती है क्या, कमेंट सेक्शन में बताओ तो यार, क्योंकि मेरे को कलर नहीं मिल रहा था, ब्लैक रेड कितना रखूंगा यार, सेम गाड़ी का कलर हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाता है गाइस मेरे को देखने समझने में। बट खैर यार ये गाड़ी के बाद पता चलेगा कौन सी गाड़ी को हम लोग फर्स्ट रैंक देंगे सेकंड रैंक देंगे। चलो पीछे आ जाओ ट्रैक्टर हो, लेट्स गो, मैं भी आगे पावर लगाता हूँ भाई। ये फिसल रही है, अबे स्कॉर्पियो एंड फिसल रही है, पीछे जा रही है, ये क्या स्कैम हो गया गाइज। ओके गाड़ी के चक्के फिसल रैंक, तो गाइज मैं आप लोग को बता दूँ मैंने सारे के सारे यार वो लगवा रखे हैं, स्टॉक चक्के लगे हुए हैं गाड़ी में भाई, एक भी मॉडिफाइड वाला चक्का नहीं है। ओके चलो ओके हो गया नहीं स्कॉर्पियो इनकी हालत ख़राब हो रही है, सच बता रहा हूँ भाई, कीचड़ की वजह से ऐसा हो रहा है पता है। ओके रुक जा स्कॉर्पियो एंड भाई साहब, गई गाड़ी पीछे गई, कीचड़ है बोल के ऐसा हो रहा है पता है, चिकने हो गए इसके टायर यार, टायर नहीं अब खींच दे रहा हूँ मैं, अब यार कैसे पावर लग गया, गाड़ी 2x2 में शिफ्ट थी क्या, अब अचानक से इतना तगड़ा पावर, ये पार हो गया क्या, कर दे स्कॉर्पियो पार, कर दे भाई, लटक जा रही है यार यहाँ पे, नहीं गई पीछे नहीं पीछे नहीं जाना स्कॉर्पियो, प्लीज मैं तेरे पाव पड़ता हूँ भाई, कितने दूर से हम लोग आए हैं। ओके एक तो गाइस ये जो पाइप बिछा हुआ है ना, ये पाइप पक्का फटेगा मैं कसम से बता रहा हूँ यार, इसके ऊपर अपन इतना बड़ा बड़ा गाड़ी चला रहे। ओके यार मैं गया, स्कॉर्पियो इनका बहुत बुरा हालत हो रहा है भाई, फिसल रहे हैं चक्के बहुत तगड़े थे, फिसल रहे हैं। ओके चलो मैं खींचा खींचा थोड़ा सा और स्कॉर्पियो एंड हो जाएगा थोड़ा सा और। ओके चढ़ गई ओके ये पार हो गया, लेट्स गो भाई, स्पीड की वजह से हुआ है, धीरे धीरे में हो नहीं रहा था। ओके लेट्स गो हो गया, दोनों ट्रैक्टर खींचाए जा रही है भाई, खेत पूरा बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, लेकिन गाइस यार यहाँ पे कर दिखाया है भाई स्कॉर्पियो एन ने यार, यहाँ पे हम लोग को पंप में फट गया, बट कोई बात नहीं गाइस, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस, बट यार यहाँ पे अब पॉइंट देने की बारी आए, तो गाइस मैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन दूंगा भाई स्कॉर्पियो S11 क्लासिक को, एंड सेकंड पोजीशन हमारी ये S11 को दूंगा नॉर्मल वाली, एंड थर्ड स्कॉर्पियो एन भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट कर दिया एंड पीछे स्लिप हो रही थी, ये दोनों गाड़ियाँ स्लिप नहीं हुई एक बार भी यार, दोनों गाड़ियों ने प्यारे तरीके से कर दिखाया भाई, सेम स्कॉर्पियो S10 जैसे ये स्लिप हो रही थी, तो गाइज इसको थर्ड पोजीशन दिया जाएगा एंड बाकी दोनों ये फर्स्ट है, क्लासिक फर्स्ट है एंड 11 सेकंड है। चलते हैं अगले राउंड पे, लेट्स गो। ऑलराइट गाइज वेलकम टू द क्रैश टेस्ट चैलेंजर, यहाँ पे हम लोग क्रैश टेस्ट करने वाले हैं, वो देखो ट्रेन जा रही है, हम लोगों को करना क्या है यार, हम लोग अभी बिल्ड क्वालिटी देखने वाले हैं, पता है ये जो गाड़ियाँ हैं ना भाई, स्कॉर्पियो S10 S11 S11 क्लासिक स्कॉर्पियो एन, इन सब में से सबसे मजबूत बॉडी किसका है, हम लोग क्या करेंगे, फुल स्पीड में जाएंगे भाई, ट्रेन के सामने टक्कर मारेंगे, वो देखो ट्रेन आ रही है, ट्रेन के सामने फुल स्पीड में, ठीक है 100-200 के स्पीड में, 150 तक का लेगो, 100-200 तो नहीं जाएगी ये गाड़ी, लेकिन 150 तक के स्पीड में हम लोग टक्कर मारेंगे एंड देखेंगे कौन कौन सी गाड़ी इनमें से फटती है एंड कौन कौन सी गाड़ियां ट्रेन को फाड़ती है, लेट्स गो। पहली गाड़ी हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं स्कॉर्पियो S10 को, भाई इतना आराम से क्यों बैठ रहा है यार फ्रैंकलिन मतलब माइकल, लेट्स गो भाई, ट्रेन आ रही है एंड एक गेट बंद करना भूल गया हूं मैं क्योंकि ऑफ रोडिंग चालू हो चुकी है, लेट्स गो आराम से, ऑटोमेटिक तो बंद नहीं होगा लग रहा है वो गेट, हम लोग यहाँ पे ट्रैक चेंज कर चुके हैं लेकिन गाड़ी को क्या गंदा डेंट लगा दिए भाई। ओके कैक्टस तोड़ो यार, गाड़ी को बहुत गंदा डेंट लग गया इधर यार, पूरा पेंट ही उखड़ गया गाड़ी का, लेट्स गो भाई, कितना गंदा डेंट लगा है कि मिट्टी लग गया, बट खैर जो भी है टक्कर मारेंगे सामने से फुल स्पीड में भाई, 250 के स्पीड में, वैसे अभी स्पीड मीटर क्यों नहीं दिखा रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट खैर सामने से आकर के ये जगह ठीक है क्या टक्कर मारने के लिए यहाँ से, ओके यहाँ से टक्कर मारते हैं, लेट्स गो, परफेक्ट पोजीशन, फुल स्पीड भाई, देखते हैं ट्रेन फटती है या फिर हमारी स्कॉर्पियो, लेट्स गो। ओ भाई साहब कुछ नहीं हुआ गाड़ी को यार, ओके गाड़ी का सामने का बस वो टूट गया मड गार्ड,
बाकी गाइस यार गाड़ी फर्स्ट क्लास है, गाड़ी को जीरो डैमेज यार, नहीं पता क्या हुआ। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये वाला चैलेंज जो है ना ये खाली गेम के लिए वैलिड है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी गाड़ी नहीं टिक सकती भाई यार, भले रॉल्स रॉयल्स क्यों ना हो, बुगाटी क्यों ना हो, ट्रेन के सामने कोई भी गाड़ी नहीं टिक सकती। फिलहाल यहाँ पे स्कॉर्पियो S10 टिक चुकी है गेम के अंदर, या खाली गेम में हो सकता है। ठीक है मैं फिर बता रहा हूँ, चलता हूँ अगली स्कॉर्पियो S11 को ट्राई। स्कॉर्पियो S11 की बारी आ जाती है गाइस, क्या लगता है यार ये निकाल पाएगी कि नहीं। लालम लाल गाड़ी है, लेट्स गो, ट्रेन भी आ रही है, ट्रेन को पहले बपने को पार करना पड़ेगी। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस। एंड में एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ यार, मेरा एक नया चैनल आने वाला है जिसमें मैं रैंडम गेम खेलने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग डिमांड करते हो यार, कोई बोलता है फ्री फायर खेलो, कोई बोलता है माइनक्राफ्ट खेलो, कोई बोलता है कुछ और गेम खेलो, तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैं कौन कौन सी गेम्स खेलूँ। ऐसा एक चैनल बनाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। एंड आप लोग देखोगे कि नहीं यार वो चैनल की वीडियोस, ये भी मुझे बताना कि आप खाली GTA 5 देखना चाहते हो। वैसे GTA 5 तो आएगी आएगी हमेशा, लेकिन वो चैनल पे और अलग अलग गेम्स भी आएगी, मैं सब गेम को ट्राई करूंगा, जैसे कि टेक्नो गेमर भैया ट्राई करते हैं वैसे। ठीक है, मतलब मजा आएगा यार, एक गेम कितने खेलेंगे भाई। लेट्स गो फुल स्पीड एंड बूम, भाई साहब स्कॉर्पियो S11 तो ब्लास्ट हो चुकी है, ट्रेन के सामने वाला हिस्सा डैमेज हो गया है। बट गाइज हम लोग हट जा बच गए गाइज यार, स्कॉर्पियो S11 तो बूम हो चुकी है। चलते हैं गाइस यार अगली स्कॉर्पियो S11 क्लासिक को ट्राई करने, लेट्स गो। लेकिन ये देखो भाई गाड़ी की हालत कैसी हो रखी है, सामने का चक्का निकल गया, ये वाला टायर का चक्का निकल चुका है, एक तरफ का है टायर के चक्के सब तरफ है, लेकिन गेट वगैरह कांच वगैरह गाड़ी का कुछ नहीं बचा है भाई। गाड़ी अब भंगार में जाने के अलावा कुछ नहीं हो सकता गाड़ी का। अब बारी आ जाती है गाइस यार स्कॉर्पियो S11 क्लासिक की, एंड देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करती है भाई। यार गाड़ी अच्छी तो है, लुक भी गाड़ी का बहुत प्यारा है, एंड मेरी ड्रीम कार है यार। अगर मेरे पास 10-20 लाख रुपए आ जाए ना भाई, 10-20 लाख में उससे ज़्यादा पैसे आ जाए, मेरी गाड़ी यार पहली ये रहेगी भाई। आपके पास अगर पैसे आएंगे तो आप क्या लोगे यार, आपके पास दो ही ऑप्शन है मुझे बताएं, स्कॉर्पियो S11 लोगे या स्कॉर्पियो N। गाइज आप क्या खरीदना चाहोगे, आप मेरे को एक चीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, ऐसे लिखना मैं स्कॉर्पियो N खरीदना चाहूँगा या स्कॉर्पियो S11 खरीदना चाहूँगा या क्लासिक खरीदना चाहूँगा, ऐसे आप लिख के बता सकते हो। ठीक है यार, मैं तो आज भी देखता हूँ भाई लोग ना स्कॉर्पियो S1 को, भाई पहला जनरेशन स्कॉर्पियो S का पहला गाड़ी स्कॉर्पियो S1 को चलाते हैं, एंड वो भी भाई ऊपर से नीचे पूरी मॉडिफाई करके यार। बट खैर स्कॉर्पियो S11 क्लासिक का क्या होता है, फुल स्पीड 1 2 3 एंड भाई साहब इसके भी चीतड़े उड़ चुके हैं, सेम टू सेम पोजीशन जहां पे S11 गिरी है ये भी वहीं गिरी है, ख़त्म है ये गाड़ी भाई। टायर वगैरह फटना चालू हुए क्या, नहीं इसके टायर वगैरह, ओके एक टायर फटा, ओके ये वाला नहीं, ओके सब टायर फट चुके हैं यार ये। लेकिन बॉडी इसका कम डैमेज हुआ है भाई, बॉडी उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, सबसे ज़्यादा बॉडी इसका डैमेज हुआ है यार अभी तक। चलते हैं स्कॉर्पियो N को ट्राई करने यार। अब बारी आ जाती है गाइस यार आज की आखिरी क्रैश टेस्ट की गाड़ी, ये है स्कॉर्पियो N, एंड देखते हैं भैया लेटेस्ट गाड़ी में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है महिंद्रा वालों ने। वैसे गाइस यार ये गेम है राइट, तो ये जितने भी टक्कर वक्कर हो रहे हैं इसको आप रियल लाइफ से कंपेयर बिल्कुल मत करना, फिलहाल ये वाले चैलेंज को तो नहीं, बाकी चैलेंज में आप सोच भी सकते हो कि भाई ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में, लेकिन ये क्रैश टेस्ट में भाई रियल लाइफ में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं बनी जो ट्रेन के सामने टिक पाए। आप खुद सोचो ना ट्रेन और गाड़ी में कितना अंतर होता है यार, ट्रेन का एक बोगी में साला 50 गाड़ी आ जाए, इतना भारी होता है। ठीक है तो खैर गाइस यार देखते हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो N टिक पाएगी कि नहीं। लेट्स गो भाई, एकदम इम्पैक्टफुल टक्कर दूंगा फुल स्पीड में, कोई टक्कर में कोई एक पैसे की कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, फुल स्पीड लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। स्कॉर्पियो N टिक पाएगी कि नहीं, एंड टिक गई भाई, हाँ सामने का हिस्सा पूरा डेंट पड़ गया है, लेकिन गाइस बाकी गाड़ी पूरी टिक चुकी है, गाड़ी सही सलामत है। ओके लेट्स गो, ये क्या हो गया, ओके लेकिन गाइस यार ये राउंड में दो गाड़ियां विनर है, स्कॉर्पियो S10 और स्कॉर्पियो S N। ठीक है स्कॉर्पियो N है, लेकिन गाइस ये राउंड के पॉइंट्स को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, ये राउंड के पॉइंट्स ऐसे ही मतलब यार टाइम पास वाले ऑप्शनल है कह लो, ठीक है दूध भात है ये वाली राउंड की। ठीक है चलते हैं अगले राउंड पे, ये राउंड को काउंट नहीं करेंगे, ये राउंड खाली फन के लिए था लाइक बॉडी टेस्ट करने के लिए। ठीक है चलते हैं अगले राउंड पे, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस वेलकम टू वुड क्रॉस चैलेंज यार, फिर आप क्रैश टेस्ट भी कह सकते हो, जिसमें हम लोग ये राउंड पे यार 600 लकड़ियों को तोड़ने वाले हैं गाइस, वो भी दो लेयर की लकड़ियां, ये देख सकते हो पूरी की पूरी लकड़ियां हैं, एंड इसके हम लोग फुल स्पीड में भगा करके इन्हें तोड़ने वाले हैं। ठीक है ये चैलेंज को पिछले बार जब मैंने यार महिंद्रा सीरीज में किया था, मतलब महिंद्रा की सारी गाड़ियां बुलेरो XUV सबको लेकर के, तो गाइस बुलेरो ने उन्हें काफी तगड़ा परफॉर्म किया था, लाइक 12 सेकंड में पूरा तोड़ के निकली थी भाई ये। बट क्या लगता है आज कौन सी गाड़ी ऐसा ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिखाएगी, टाइमिंग से जितना हो सके उतना जल्दी जो गाड़ी पहले कर दिखाए वो गाड़ी विनर है। पहली गाड़ी हम लोग यहां पे ट्राई करने वाले हैं XUV, मतलब यहां पे स्कॉर्पियो S10 फुल स्पीड,
ओके यही फुल स्पीड है गाड़ी का। ओके भाई गाड़ी यहीं तक गई है कि जा रही है अभी भी आगे? ओके जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, काफी अच्छा जा रही है, नॉन स्टॉप जा रही है। ओके पहली बार, ओके टाइमिंग चालू है, आप देख सकते हो यार जितना हो सके जल्दी करेगी वो गाड़ी विनर है। ओके भाई एक तो अच्छे से व्यू नहीं मिल रहा है, अंदर से दिखाओ क्या? अंदर से तो लकड़ियाँ दिख रही है भाई बस मेरे को। ओके लेट्स गो, गाड़ी ऊपर का भी लेयर तोड़ रही होगी तभी गाड़ी विनर है, वरना खाली सामने का तोड़ने से नहीं होगा। ओके गाड़ी अटकी, पीछे आते हैं, पीछे आते हैं, बहुत तोड़ी है लेकिन यार आधा तोड़ चुकी है शायद से। ओके लेट्स गो, लेट्स गो, अभी भी तोड़ रही है, तोड़ रही है, तोड़ रही है, धीरे धीरे तोड़ रही है लेकिन तोड़ रही है। चल 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 चल, गाड़ी खराब क्या? नहीं गाड़ी चालू है, गाड़ी तो चालू है यार। ओके नहीं नहीं गाड़ी में आग लग चुकी है, गाड़ी में आग लग चुकी है गाइस स्कॉर्पियो S10 में। अगर गाड़ी ने फुटने से पहले पूरा चैलेंज को कर दिखाया ना, पूरा लकड़ी तोड़ दी ना भाई, गाड़ी विनर है यार। गाड़ी में बहुत गंदा आग लग चुका है, सामने तरफ वो देख सकते हो भाई, बोनट तरफ। ओके लेट्स गो, थोड़ा सा बचा है भाई, फिनिश पॉइंट दिख रहा है स्कॉर्पियो S10। तू कर सकती है, 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 कर सकती है, कर सकती है। एंड डैम भाई, गाड़ी ने ये चैलेंज कर दिखाया है ब्रो, गाड़ी में आग लग चुकी है बट स्टिल गाड़ी ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया, पूरा तोड़ा है ना। नहीं नहीं नहीं, ये वाला बचा हुआ यहाँ पे, टूटना टूट जा। ओके टूट गया, टूट गया गाइस। यहाँ पे गाड़ी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दिखाया, टाइमिंग आप मुझे बता देना कितने देर में किया है, लेकिन गाइस यार गाड़ी में आग लग चुकी है एंड गाड़ी अब बंद हो चुकी है भाई, कभी भी फट सकती है एंड आग इंजन में जा चुका है, मुझे गाड़ी से दूर हट जाना चाहिए। एंड आई गेस मुझे अगले चैलेंज से पहले इस गाड़ी को अपने हाथों से खुद ही फोड़ देना चाहिए, वरना यार ये फट के दूसरी गाड़ियों को वो कर देगी। लेट्स गो, 1 2 3 बूम। कोई बात नहीं गाइस, यार काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस था इसका। एंड चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने यार, स्कॉर्पियो S11 को, एंड देखते हैं वो कितने देर में कर पाती है भाई। वैसे मैं सच बताऊं तो S10 ने बहुत ही जल्दी कर दिया है कंपैरेटिवली भाई, इतना जल्दी बहुत कम गाड़ी कर पाती है यार, एक मिनट पार हो जाता है ये शायद आप 50 सेकंड के अंडर कर ली होगी यार। लेट्स गो गाइस, स्कॉर्पियो S11 क्लासिक की, नहीं S11 है ये कि नहीं, ये क्लासिक मॉडल है गाइस, पहले नॉर्मल S11 वाली को ट्राई करेंगे ठीक है, सीक्वेंस वाइज करेंगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ये वाली गाड़ी में बैठ जाता हूँ मैं। ओके लेट्स गो, चलो गाइस देखते हैं S11 में कितना दम है फुल स्पीड। ओके 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 भाई तोड़ रही है, आधा तोड़ी, स्टार्टिंग में तोड़ी है, ज़्यादा नहीं तोड़ पाई। ओके स्पीड एक तो गाइस पिकअप थोड़ा कम है यार, ये पुरानी S11 क्लासिक से पहले जितनी भी स्कॉर्पियो उनका स्पीड कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। ओके एंड ओके तोड़ रही है लेकिन पावर है भाई, अच्छा खासा तोड़ रही है, एक ही बार में बहुत आगे तक जा रही है। एक बार फिर अटैम्प्ट देते हैं, मैं ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, जितना पीछे जाएंगे गाइस उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पास ही पास से तोड़ेंगे। ओके लेट्स गो भाई, अब पास से तोड़ने में जान निकल रही है। ओके टूट रहा है, टूट रहा है, थोड़ा सा और, रुके रिवर्स आता हूँ मैं फुल स्पीड। ओके नहीं नहीं टूटा यार, एक बार फिर पीछे आते हैं, लेट्स गो पूरा स्पीड में अब टक्कर मारेंगे गाइस। यार देख रहे हो ना स्कॉर्पियो S11 को कितना दिक्कत हो रहा है, आप खुद सोचो S10 ने एक बार भी रिवर्स नहीं लिया, आखिरी में मैंने थोड़ा थोड़ा रिवर्स लिया है, बाकी ज़्यादा तो लिया ही नहीं। ओके ओके टूट गया, टूट गया, पूरा टूट गया। ओ भाई थोड़ा सा बचा है, ओके थोड़ा सा बचा है, गाड़ी की हालत ख़राब है लेकिन उतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं है जितना S10 का था, उसमें तो आग ही लग गई थी भाई, ये तो ठीक भी है, थोड़ा सा ग्रिल वगैरह निकल गया है, पीछे थोड़ा डैमेज हो गया, बॉडी वगैरह बहुत तगड़ा डैमेज हो गया, थोड़ा भी नहीं। ओके यार यहीं पे गाड़ी स्लो हो गई भाई। ओके यार शिट भाई, गाड़ी पीछे हो जाएगी टाइम से यार, लेकिन गाड़ी फटी नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन यार S10 फटी है इसका मतलब ये नहीं वो डिस्क्वालीफाइड है भाई, गाड़ी ने टाइम पे पूरा तोड़ दिखाया, पूरा फटने से पहले अगर मैं नहीं फोड़ता ना हो सकता है गाड़ी फटती भी ना। ओके लेट्स गो, थोड़ा सा और भाई, 3-4 लकड़ियाँ हैं भाई, इसके लिए भी रिवर्स जाऊँ क्या? ओके लेट्स गो गाइस, स्कॉर्पियो S11 ने भी सारी लकड़ियाँ तोड़ दी है, टाइमिंग आप मुझे बता देना कितने देर में किया है। आई गेस यार S10 से थोड़ी सी लेट हो गई हो सकता है या जल्दी भी हो गई हो भाई, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता मैं, बट खैर काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस है, एटलीस्ट गाड़ी ने 2 मिनट के अंदर ये चैलेंज कर दिखाया, वही बहुत बड़ी बात है, वरना ज़्यादातर गाड़ियाँ तो भाई फेल हो जाती है यार। अब बारी आ जाती है गाइस यार हमारी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक की, एंड देखते हैं इसमें कितना है दम भाई, गाड़ी क्यों इतना धीरे चल रही है। ओके चलो भगाओ, पिकअप अच्छा है गाड़ी का यार, 50 की स्पीड के बाद बाकी तगड़ा अच्छा स्पीड ले लेती होगी, लेकिन टक्कर भाई पहला टक्कर में बहुत कम डैमेज, हल्का फुल्का डैमेज यार, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन गाइज अब देखना धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे जाते आएंगे गाइज, आगे की लकड़ियाँ और ज़्यादा कठोर है यार, ये सामने में थोड़ा ढीला ढीला लकड़ी है, आगे यार लकड़ियाँ थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, तो खैर थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन तोड़ लेगी गाड़ी मेरे ख्याल से। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, काफ़ी तगड़ा। ओके बहुत आगे तक आई है, आधा पार हो चुका है, आई गेस यार जल्दी कर लेगी ये। ओके ओके यार थोड़ा पीछे ही आना पड़ेगा, बिना पीछे आए होगा नहीं, एक तो नीचे लकड़ियाँ गिरी है ना गाइस उसकी वजह से और बैलेंस बिगड़ जाता है। ओके लेट्स गो, इतना काफ़ी है फॉरवर्ड भाई, गाड़ी का चक्का उठ जा रहा है, फुल स्पीड फुल स्पीड। ओके गलत फेंक दिया भाई,
शेट यार, गाड़ी का बैलेंस क्यों बिगड़ जाता है यार बीच में यार। ये लकड़ियों की वजह से होता है, होता है नीचे जो लकड़ियाँ गिरी है ना गाइस, उसकी वजह से ना मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, देखना ना। ओके इस बार नहीं बिगड़ा, काफ़ी तगड़ा। ओके यार बहुत धीरे धीरे टक्कर हो रहा है भाई, पीछे हो जाएंगे हम लोग यार, S11 आगे निकल जाएगी भाई क्लासिक से। और पीछे चलो भाई थोड़ा पीछे से टक्कर देते हैं, फुल स्पीड लेट्स गो। बिना किसी से टकराए सीधा, ओके हो गया थोड़ा सा और गाइस, आई गेस मेरे ख्याल से यहीं से मैं टक्कर मारूंगा तो हो जाएगा। ओके लेट्स गो फुल स्पीड। ऑलराइट भाई थोड़ा सा और बचा है भाई, गाड़ी की हालत देख रहे हो सामने कैसा हो रखा है भाई, गाड़ी पूरा का पूरा। ओके फुल स्पीड, अच्छा तीन लकड़ियाँ और हैं। ओके गाड़ी में धुआं निकल रहा है आई गेस गाड़ी अभी तक फटी नहीं है, गाड़ी में बस धुआं निकलना चालू हुआ। एंड गाइस गाड़ी ने भी ये चैलेंज कर दिखाया है, टाइमिंग आप मुझे बता देना। आई गेस ये यार S11 से थोड़ा सा लेट की होगी, बट गाड़ी से धुआं निकल रहा है और क्या कर सकते हैं, गाड़ी हल्का फुल्का काला काला धुआं छोड़ रही है। बट खैर अब बारी आ जाती है आखिरी गाड़ी की, स्कॉर्पियो एन की, एंड फिर कंक्लूजन दिया जाएगा भाई चारों में से कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट है यार। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा यार, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज कर लो, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है एक एक वीडियो में 40-40 मिनट की भाई, मैं लगातार बोलता हूँ नॉन स्टॉप, थोड़ा मेहनत का कदर करके यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड भाई ये क्या हग रही है भाई स्कॉर्पियो, एंड भाई कुछ टूटा ही नहीं इससे तो, गाड़ी की स्पीड तो बराबर थी यार, स्पीड कम थी क्या? ओके फिर ट्राई करते हैं, स्पीड तो है भाई। ओके दे तो रही है, 80 टच हो रही है। ओके लेट्स गो भाई, इसका हालत ख़राब होने वाला है, बॉडी कमज़ोर लग रहा है यार, स्कॉर्पियो एन की पहली गाड़ी है बोल के हो सकता है यार बॉडी कमज़ोर हो, लेकिन अभी तक बहुत बहुत कमज़ोर परफॉर्मेंस दिखा रही है भाई स्कॉर्पियो एन। भाई अभी तक पूरा पीछे तक जा रहा था, रुक जाओ फिर ट्राई करते हैं फुल स्पीड। ओके भाई गई, स्कॉर्पियो एन नहीं कर पाएगी, हाँ डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी उससे पहले, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। फिर ट्राई करते हैं, भले गाड़ी फटेगी ना बॉडी मजबूत है, बट गाइस तोड़ नहीं पाएगी, मेरे को ऐसा अंदर से फील आ रहा है। ओके देख रहे हो यार ऐसे में ही नहीं तोड़ पा रही, थोड़ा साइड से दिखे टक्कर की, इधर तरफ का लकड़ी थोड़ा कमज़ोर रहता है। ओके तोड़ रही है एक ही बार में पूरा तोड़ते जा रही है। ओके फिर अटकी, रिवर्स फुल स्पीड भाई, आराम से हो जाएगा, इतना धीरे धीरे जाएंगे तो भाई टाइम ही हो जाएगा यार। ओके लेकिन तोड़ रही है, ये अच्छी बात है, नॉन स्टॉप तोड़ रही है, स्पीड की बदौलत भाई गियर का वजह से ऐसा हो रहा है। ओके तोड़ी जा रही है काफ़ी बेहतरीन, एंड थोड़ा सा बचा है बस यार। ओके हो गया जस्ट पहुँचने वाली है, गेंद चुन के 10 टुक बचा होगा। Let's go, टाइमिंग आप मैट देखते रहना कितना टाइमिंग लगाया। एंड गाइज यार स्कॉर्पियो एन ने भी ये चैलेंज कर दिखाया भाई यार, गाड़ी एकदम चकाचक है। तो गाइज यार यहाँ पे स्कॉर्पियो एन की टाइमिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मतलब यार सबकी टाइमिंग बता देना ये फाइनल राउंड की। एंड गाइज यार आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर अगर आपने हो तो सब्सक्राइब करना। एंड कौन सी गाड़ी जीती अब ये कंक्लूजन की बारी आती है, एंड मैं सच बताऊं मेरे को डेफिनेटली नहीं पता भाई, क्योंकि सब गाड़ियां अलग अलग राउंड में अपना अपना परफॉर्मेंस दे रही है। अभी के राउंड में मेरे को लग रहा है S10 फर्स्ट होगी, एंड पहले वाले राउंड में S11 फर्स्ट होगी, एंड यार दूसरे वाले राउंड में N फर्स्ट होगी, ऐसा फील आ रहा है। लेकिन खैर आप कौन सा ओपिनियन देते हो, एंड मैं बाद में यार जज करके मतलब थोड़ा और डिस्कशन करके अपने दोस्तों के साथ कंक्लूजन दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। एंड यार उससे पहले अगर आप यार आपको लग रहा है ये गाड़ी जीती है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलता हूं आप सभी लोग को अगले वीडियो पे, टिल देन अगर आपको ऐसी और महिंद्रा या टोयोटा के ऊपर वीडियो देखनी है, या और अलग सुपर कार लैम्बोर्गिनी बुगाटी के ऊपर वीडियो देखनी है, या ऐसी कमाल की वीडियोस देखनी है, स्क्रीन में आपको 2-3 वीडियो मिल जाएंगी, आप इन्हें देखो, उसके बाद 2-3 वीडियो और मिलेगी, उन्हें देखना, ऐसे कर करके आप मेरी पूरी वीडियो देख लोगे एंड आपका मन भरेगा ही नहीं, मैं लिख के देता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन बाय बाय टाटा, लव यू ऑल गाइस, एंड सब्सक्राइब कर देना यार, बाय।